अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में बहुत ही सिंपल, इजी और बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी शेयर की है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून घी। घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इन ड्राई फ्रूट को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर इन ड्राई फ्रूट को हल्का सा फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो बगैर फ्राई किए हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब ये हल्के से फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे और ये जो घी बचा हुआ है इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। मैंने 1/2 कप सूजी ली है यहाँ पर और बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो इसी कप से हम मेजर करेंगे। तो आप किसी भी कप, ग्लास या फिर बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखनी है और सूजी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो हल्का सा इसको भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन से आपके हलवे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही जो इसका कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो अब बेसन डालकर हमें दोनों चीज़ों को एक साथ में भूनना है। फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखें और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनें जब तक कि जो इसका कलर है वो हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तो जैसे जैसे सूजी भूनती जाएगी आप देखेंगे कि जो हमने इसमें घी ऐड किया था वो फिर अलग होने लगता है। तो यही निशानी है कि आपकी जो सूजी है वो अच्छी तरह से भून रही है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो सूजी और बेसन था वो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इन पर। अगर आप इसे और ज़्यादा भूनेंगे तो फिर ये जल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसमें अब पानी ऐड करना है और जो कप से हमने सूजी को मेजर किया था उसका 3 गुना पानी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। मैंने 1/2 कप सूजी का इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ उसी कप से 1.5 कप पानी। आपने इसी रेशो से डालना है। अगर आप 1 कप सूजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर 3 कप पानी डालना है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 छोटी इलायची। तो इलायची को बस मैंने ज़रा सा क्रश करके डाला है, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए पकाएंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रान। तो अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड कर दें या फिर अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सूजी में जो पानी था वो इसने बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जिस कप से हमने सूजी को मेजर किया था उसी कप से यहाँ पर मैंने शुगर ऐड की है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप सूजी के लिए 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। वैसे अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो 1 से 2 टेबल स्पून आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और अब शुगर डालते ही आप देखेंगे कि हलवे में बहुत अच्छी सी शाइन आने लगती है और साथ ही ये थोड़ा पतला भी हो जाता है। तो इसे हमें चलाते हुए भूनते रहना है जब तक कि ये परफेक्ट ना हो जाए। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून घी। तो इस तरह ऊपर से घी डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और इसका जो घी था वो किनारों पर नजर आने लगा है। तो जो ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट करके रखा हुआ था यहाँ पर उसे कट करके ऐड कर देंगे। मैंने इसमें थोड़े से किशमिश भी शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसे सिल्वर वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं और इसमें चेरीज वगैरह भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर हमारा दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल, इजी और बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी है ये। आप देख सकते हैं कि इसके दाने दाने नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल दानेदार हलवा बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।